खाओगे बोलो? अरे कुछ खाना है। अच्छा ठीक है, ये लो। नहीं, हमको ये नहीं खाना। तो अब क्या खाना है? हमको बिस्किट खाना है। ओके, बिस्किट। हमको ये भी नहीं खाना, हमको मिर्ची खाना है। मिर्ची? ये लो। मिर्ची बच्चे नहीं खाते। तो क्या खाना है? हमको फुटबॉल खाना है। फुटबॉल खाने की चीज नहीं है बेटा, हमको फुटबॉल ही खाना है। फुटबॉल। अच्छा ठीक है, ये खाओ। नहीं खाना, हमको मोबाइल फोन खाना है। ये लो। पैसा खाना है। पैसा ले लो। टमाटो केचप खाना है। ओके। शैम्पू पीना है। हमको ये सब नहीं खाना है। सब कुछ तो दे दिया बाप, अब क्या मेरा सर खाना है? क्या खाना है जल्दी बताओ। हमको नहीं खाना है। क्या? तो क्या करना है? हमको गाना गाना है। अच्छा तो गाओ। Happy Children's Day, Happy Children's Day, Happy Children's Day. Subscribe कर ले बे। अच्छा, आप अगर अपने बच्चों से भी परेशान हैं, तो मेरे हमदर्दी को बांटिए, वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बच्चों को भी दिखाइए कि मम्मियों का क्या हाल होता है। हाय रब्बा। चिल्ड्रन हो तो ऐसा सर घुमा के रख दे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम फहद आजम प्रेजेंटेड हियर सम बेसिक स्पीच ऑन अ चिल्ड्रंस डे। टुडे 14th नवंबर इज अ सेलिब्रेटेड एज अ चिल्ड्रंस डे इन ऑल ओवर इंडिया। He was born on 14th November in 1889 in Allahabad. He was a great freedom fighter and a legend independence of India. He is a great lover for the children's may we say his Chacha Nehru. Chacha Nehru always said that children are the future of a nation. Hence, it should be rise in love and careness and affectionness. Thank you. Okay, my dear students and respected parents and my dear students. अब मैं आप लोगों के बीच एक ऐसी शख्सियत को दावत देना चाहूँगा जो कि मेरे बेस्ट फ्रेंड में से हैं और एजुकेशन से जुड़े हुए भी हैं, और सबसे खुशी की बात यह है कि वो आप जैसे स्टूडेंट्स के बीच वो खुद आना चाहते हैं। तो प्लीज़ उनका ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। प्रिंस का मेयर ऑन दी शहरवाज आलम। आवाज आ रही है? और तेज बोले या इतना काफी है? आ रही है ना आवाज? हाँ या ना बोलो। चलो ठीक है, तो थोड़ा सा हम अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मेरा नाम शहबाज है और मैं भी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा हूँ क्योंकि मैं ग्रेजुएट हूँ, है ना, जैसे आपके सर हैं और आपकी तरह ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप अभी बच्चे हैं, आपको ये मौका मिलेगा धीरे 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 धीरे, अभी तो डायरेक्ट इस क्लास में आए नहीं होंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे और हमारी तरह और सर की तरह आप भी बन गए, उनसे अच्छे भी बन सकते हैं, ठीक। और दूसरी बात ये है कि आज मेरा यहाँ आने का एक मकसद ये था क्योंकि चिल्ड्रंस डे था,
और चिल्ड्रेंस डे पे बच्चों से मिलना मुझे थोड़ा सा पसंद है। जैसे हमारे अबुल कलाम आज़ाद को आप लोग जानते होंगे, अबुल कलाम आज़ाद के बारे में सुना है कभी? चीयर्स करो, किन किन को पता है, हाथ ऊपर करो, ऑलमोस्ट सबको पता है। कोई एक जो कुछ बता सके थोड़ा सा उनके बारे में, थोड़ा सा भी, एक सेकेंड भी। अब्दुल कलाम इज अ ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। वेरी गुड। ही इज आल्सो नोन एज अ मिसाइल मैन। हाँ ठीक है, और चलो बहुत अच्छा, ठीक है। देखो ये तो उनकी खासियत थी, लेकिन इनसे भी बड़ी दो और भी बहुत चीज़ें थी। पहली चीज़ ये कि वो फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंडिया के, है ना, पता होगा आप लोगों को। एक्चुअली अच्छा इसको जी, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को एक मिसकंसेप्ट हो रहा है, सो सॉरी कि हमें आना पड़ा। आप लोग में से कुछ लोग अबुल कलाम और अब्दुल कलाम में कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो प्लीज ऐसा भी है क्या? माई रिस्पेक्टेड, कोई नहीं, ठीक है, आप सब इसको क्लियर करें। तो फुल नेम उनका जानते ही आप लोग, अब्दुल कलाम आज़ाद है या उन, तो ये चीज़ था। तो उनको भी बच्चों से इंट्रैक्ट करना बहुत पसंद था, इंट्रैक्ट मतलब मिलना, जैसे हम आप लोगों से आज आए हैं मिलने, है ना। ये उनको बहुत इंस्पायर करता था, बच्चों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते थे, है ना, कि वो कुछ अच्छा कर पाए लाइफ में। देखो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम छोटे होते हैं, जैसे आपके एज में हम होते हैं, तो हमारे पास एक कोई मोटिव नहीं होता है कुछ, हमको ये पता नहीं होता है कि हमारा ड्रीम क्या होगा, हम बड़े होकर बनेंगे क्या। अगर अभी आपसे कोई बच्चा, टीचर कोई पूछता है बच्चे से कि तुम क्या बनना चाहते हो, सपोज़ मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे खड़े हो जाइए, कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो आपका मोटिव क्या होगा, आप क्या बोलेंगे? क्रिकेटर बनना चाहेंगे। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं? किस लेवल पे मेहनत कर रहे हैं आप? हाई लेवल। कैसा हाई लेवल, आपका किस सेंस में, बताइए ज़रा, थोड़ा सा डिटेल कीजिए, और लोगों को भी इंस्पायर कीजिए। कोशिश करते, खेलते हैं रोज, सोचते हैं कि बड़े होकर बनेंगे क्रिकेटर। मतलब आपका ड्रीम है, आप सोचते हैं कि बड़े होकर बनेंगे, बहुत अच्छा, आप क्लैप करेंगे। और ऐसे कौन से बच्चे जिनको अभी लगता है कि हाँ बड़े होकर मैं कुछ ऐसा करूँगा, या ऐसा मन में है, कोई भी है तो हाथ ऊपर करे, किसी के भी, कुछ भी, हाँ बताओ। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। ठीक है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं मेहनत? के लिए मैं अभी से बायोलॉजी नीट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 18 hours पर रहा हूं, ये देखिए ये अच्छी बात है कि आप में एक जो सपना होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, मिस गाइड हो रहे हैं। अभी आपको नीट के बारे में नहीं सोचना है, अभी बेसिक्स आपके जो है, आप किस क्लास में है अभी? 11th में, तो आपको थोड़ा सा अपने 11th पे या जिस क्लास के आप हैं उस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आपको मौका मिलेगा नीट के लिए प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा, आपको आपके बहुत सारे ऐसे चांसेस मिलेंगे जिसमें आप उसको प्रूव कर पाएंगे, ये चीज़ है, ठीक है। अब जैसे ड्रीम्स में मैं कुछ बात कह देना चाहता हूँ आप लोगों को, कि जब आप बड़े होंगे धीरे धीरे, अभी आप थोड़े कम उम्र के हैं, है ना, धीरे धीरे जब आप बढ़ेंगे तो आपको लगना शुरू हो जाएगा कि जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो नो डाउट वो बहुत अच्छी चीज़ है। ज़रूरी नहीं, कितने लोग ये भी सोचते हैं कि मैं क्रिकेटर बोलूँगा तो कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पे, सोचेंगे अरे यार ये तो खेल कूद में मशगूल है, लेकिन ऐसा नहीं है। सपने सपने होते हैं, किसी के क्रिकेटर बनने के होते हैं, कोई फुटबॉल भी खेल सकता है, डजंट मैटर। हमारे इंडिया में एक कल्चर है पेरेंट्स के अंदर, है ना, कि हमारा बच्चा सिर्फ पढ़ाई करे और उसके पास कोई भी, है ना, जहन में ना लाए ये बात कि, है ना, वो कुछ और भी करें, जैसे उन्होंने कहा क्रिकेटर, उन्होंने बोला तो डॉक्टर, ठीक है एक प्रोफेशनली पेरेंट्स को समझ में आ रहा है कि हाँ वो डॉक्टर बनने वाला, यानी पढ़ाई से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, है ना। लेकिन आपके सपने कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो अच्छे होने चाहिए, अच्छे मीन्स सही डायरेक्शन में होना चाहिए, और समाज में सोशल उसका जो है इम्पैक्ट अच्छा पड़ना चाहिए। दूसरी बात कि जब भी आप छोटे से बड़े अब हो रहे हैं, धीरे 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 आप थोड़े और बड़े हो जाएंगे, तो एक चीज़ और भी हमेशा याद रखिएगा कि आप कोई भी स्टेप लेते हैं चाहे किसी भी दौरान हो, तो ये याद रखिएगा कि आपका आपकी आपके ऊपर जो है समाज की नज़र भी है, है ना। आप कुछ अच्छा करेंगे तो समाज आपको अप्रिशिएट भी करेगा, घर वाले करेंगे, लेकिन जब आप कुछ गलत करेंगे या आपके साथ कुछ बुरा होना शुरू हो जाएगा तो समाज आपकी क्या करेगी, बेइज्जती करेगी, लोग बुरा भला कहेंगे आपको,
तो ये याद रखिए कि जैसे अभी आपकी एज जो है वो संभलने की है, पढ़ने की है, सही डायरेक्शन में चलने की है। खेल कूद नो डाउट अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको एक लिमिट में करें तो अच्छी चीज़ है। अब किसी का सपना है प्रोफेशनली है तो वो अलग तरीके से कर सकता है गाइड उसको, है ना। और तीसरी चीज़ ये है कि हमेशा अपनों से बड़े जो भी आपके हैं उनसे आप हमेशा गाइड अपने आप को करवाते रहें। इससे क्या होगा कि आप जो जो भी करना चाह रहे हैं वो बैलेंस में होगा, है ना। जैसे हम कई दफ़ा ये सोचते हैं कि नहीं यार हम तो बहुत तेज़ हैं, किसी बच्चे का मार्क्स ज़्यादा आ गया तो वो टीचर से एटीट्यूड एरोगेंस दिखाना शुरू कर दिया। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। एक बेहतरीन स्टूडेंट की यही पहचान है। वैसे तो एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मार्क्स डजंट मैटर, मार्क्स मैटर नहीं करता है। आप जो अभी 90% 80% 100% लाकर खुश हो रहे हैं, कुछ वक्त के बाद आपके साथ ऐसा होगा कि मार्क्स आपके लिए मायने नहीं रखेंगे। हम लोगों के लिए हाँ थोड़ा सा वैसे जैसे अभी हम बताएं कि मार्क्स जो है वो अभी आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी चीज़ है, 100 out of 100 लाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब आप हमारे सर के एज में आएंगे तो आपको लगना शुरू हो जाएगा कि ये कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रह गई है। आपका काम ये आने वाला है कि आपकी नॉलेज, आप कितना पढ़े हैं, आप उसको कैसे पढ़ें, कितनी देर पढ़ें और कितने दफ़ा पढ़ें, ये मायने रह जाएगा सिर्फ बाद में, है ना। और तीसरी चीज़, चौथी चीज़ ये है कि आप कोई भी चीज़ जैसे पढ़ाई के दौरान करते हैं, है ना, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का हम हमेशा यही देखे हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है, पढ़ते सब हैं ठीक है, लेकिन कुछ ही बच्चों को याद क्यों होता है। आप में से कोई एक बता सकता है इसका रीज़न क्या हो सकता है? कोई भी एक बता सकता है कुछ भी, हाँ बताओ। मन लगा के कोई नहीं पढ़ता है। ठीक है, बहुत अच्छा, क्लैप करिए। ये भी एक वजह है, लेकिन हम एक्सट्रीम लेवल की वजह की बात करें जो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्या हो सकता है कोई और कुछ? कंसंट्रेशन नहीं होता। हाँ, कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरी है, लेकिन बच्चे जब होते हैं, हम इस उम्र में होते हैं तो बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होता है। आपका कंसंट्रेशन लेवल कब बिगड़ना शुरू होता है? जब आप मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। आपका जहन कभी फ़ोन पर जाएगा, कभी बाहर की दुनिया पर जाएगा, कभी टीवियों पर जाएगा, ये सब होगा। बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल ठीक ठाक रहता है। देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये होता है कि वो पढ़ते हैं बस एक ही दफ़ा पढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम है बच्चों में आजकल। आप जब तक रिवीजन नहीं करेंगे बार 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 बार, जैसे आपने कोई एक नया बुक लिया है ना, जैसे मान लेते ये एक कोई चीज़ है पढ़ने की, ठीक है, आप इसको पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ के आपने क्या याद किया और इसको छोड़ दिया। अब आपने पढ़ा, आपको याद भी हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, आपको बाद में वो चीज़ क्यों नहीं याद रहता? क्योंकि आप उसको रिपीटेडली याद नहीं करते, देखना भी पसंद नहीं करते। आपको लगता है कि एक बार पढ़ लिया, याद कर लिया, हो गया। एग्ज़ाम तो आपको क्लियर हो जाता है, मार्क्स आपके अच्छे आ जाते हैं, लेकिन आप जब बड़े होते हैं, एक क्लास और आगे जाते हैं, दो क्लास आगे जाते हैं, तो आपको लगने लगता है कि हम जो पीछे चीज़ें पढ़े हैं वो सारी भूल चुके। ऐसा होता है क्या? Yes. होता है। Yes. तो उसके लिए यही चीज़ है बेहतर कि आप एटलीस्ट एक बार एक चीज़ को अच्छे से पढ़ लो, एकदम बेहतरीन से, है ना, उसको याद भी कर लिया। उसके बाद क्या करना, आपको एक बार जहन से कभी वीकली एक बार देख लें, या मंथली, आप जो भी पीछे पढ़ें मंथली एक बार उसको आप बस जहन कर लें। जहन मतलब आंखों से देख ले, पढ़ ले, रीड कर ले, रीड आउट कर लीजिए, काफ़ी है वो। वो आप फिर देखिए कैसे वो आपको याद होता चला जाएगा और हमेशा याद रह जाएगा, है ना। ये एक चीज़ थी। पांचवी चीज़ ये है कि हम जैसे कुछ बच्चों में, यहाँ के एक बच्चों में से एक वीडियो देखे तो बहुत अच्छी बात है कि आप में से ही कुछ बच्चे, वो बच्चे हैं या वो बच्चे हो गए आज आकर यहाँ बोल रहे हैं। यहाँ बोलना आसान नहीं है। जो बच्चे वहाँ बैठ कर ये सोचते हैं, हंस दिए ज़रा, है ना, कि अरे इसको तो बोलना ही नहीं आता है, जो हंस रहे एक बार यहाँ आकर बोल दें तो फिर उसकी वाहवाही होगी, तो वो चीज़ ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि जब यहाँ पर आप बोलते हैं या जो चीज़ पढ़ते हैं, पढ़ने की एक सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है, आप में से कोई बता सकता है? पढ़ाई के दौरान जब आप कुछ पढ़ते हैं उसको, जैसे मैंने ये चीज़ लिया और पढ़ दिया हैप्पी चिल्ड्रंस डे, ठीक है,
तो बहुत सिंपल है, सब जानते हैं, सब पढ़ सकते हैं, सब सुने हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत चीज़ इसको बोलने में क्या चीज़ है वो जो बना सकता है? कोई है जो इसका जवाब दे सकता है? हाथ ऊपर कर सकते हैं। उस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए। नहीं नहीं, मैं खूबसूरती की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं या कोई भी बोल रहा है, वो चीज़ अच्छी कैसे लगेगी सुनने में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बताइए क्या वो चीज़ होगी जिससे अच्छा लगे या सुनने वालों को बहुत मज़ा आना शुरू हो जाए कि हाँ रे ये बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी, इस ये जो चीज़ बोल रहा है वो बहुत प्यारा है। बताओ, प्रोनाउंसिएशन, नो डाउट, बहुत अच्छा, उसके लिए ज़ोरदार ताली। अब जैसे जैसे हम जानते हैं कि इस क्लास के अंदर एटलीस्ट तुम्हारे जो साकिब सर हैं उनसे अच्छा तो प्रोनाउंसिएशन कोई नहीं कर सकता है, नो डाउट, पता होगा आप लोगों को, है ना, उनके लिए भी ताली बजाओ। तो वो चीज़ है, तो पढ़ाई के दौरान एक चीज़ और भी याद रखिए कि जब आप प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से पढ़ेंगे, उसको लहजे में लाएंगे, जैसे होता है ना जीम जे, है ना, सीन शे, वो वाला कंसेप्ट, आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी अच्छा कुछ कर लीजिए, लेकिन जब आप उसको अप्लाई अच्छे से नहीं करते हैं, है ना, तो बहुत ही गंदा लगेगा सुनने में। आप कितना भी अच्छे चीज़ें से उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, लेकिन वो सुनने वाले को मज़ा नहीं आने वाला। और ख़ास ये चीज़ होता है, अच्छा इस रूम में अभी कोई नॉन मुस्लिम बच्चे हैं? कोई बच्चा? चलो कोई बात नहीं। अब देखो, जैसे ऐसा नहीं है कि नॉन मुस्लिम बच्चों से ये है ना ये चीज़ रिटर्न मिलता है हमको कि वो पोनेंस अच्छा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप भी इस क्लास पे पढ़ते हैं, आपके सर को, लहजे को आप सुन सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल में ही प्रॉब्लम होता है, जैसे वो नॉन मुस्लिम है तो उनके, हाँ आइए, बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन पे जहाँ सर बात कर रहे हैं, यानी कि उच्चारण, लहजा, इसमें जैसा कि मैं इस वीडियोस के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे काबिल फ्रेंड्स को एक्चुअली शायद मैं इसकी जानकारी नहीं दे पाया, नहीं तो ज़रूर वो इंक्लूड करते हैं। अभी जो यहाँ इंग्लिश का जो क्लास चल रहा है, यानी स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर, उसमें जो बुक चल रही है वो उसके राइटर भी हम हैं, और वो जो बुक है स्पेशली जो स्टार्टिंग है वो पूरा पूरा प्रोनाउंसिएशन पर ही डिपेंड है, और फिर एक एक वर्ड करके फिर सेंटेंस को कैसे मेक किया जाए, और स्टार्टिंग जो बिल्कुल आपका जो क ख ग यानी ए बी सी डी और अलिफ बे ते, जहाँ मेरे फ्रेंड्स जाना चाह रहे थे, मैं उसको थोड़ा सा हल्का सा मैं डील कर दूँ। मैंने एक उसमें एक ऐसे हेडिंग को जोड़ा है जो आज तक किसी भी बुक में नहीं आई चैलेंज, अच्छा, वो है, आप लोग क्लैप दे सकते हैं अगर चाहे तो, बार बार आप लोग डर क्यों रहे हैं, मैं बताना ये चाह रहा था कि बेस्ड ऑन पॉइंट राइटिंग, इस हेडिंग से मैंने उसमें एक डाला है, और उसमें मैंने कंपैरिजन किया है उर्दू जबान और हिंदी और इंग्लिश। इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इंग्लिश में है ही नहीं है, और इत्तफाक से वो हिंदी में भी नहीं है, हमें वो हेल्प लेना होता है उर्दू से। वो कैसे, एक एग्जांपल मैं लेके सिर्फ आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आप अगर इकबाल लिखते हैं तो यू नो आप यहाँ पे के का यूज़ करेंगे ना, ये जो आप क्यू का यूज़ कर रहे हैं ये इंग्लिश मैनर या हिंदी मैनर में ये चीज़ें नहीं हैं, हमें लेना होता है उर्दू के मैनर से कि अगर क के नीचे अगर पॉइंट आता है तो वहाँ पे हम क्यू का यूज़ करेंगे, और बेहतर होगा कि क्यू यू का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा जैसे कि नाम है साकिब, बड़ी काफ, अब मैं एस ए के आई बी तो नहीं लिखता ना, एस ए क्यू आई बी, या फिर और बेटर होगा कि क्यू यू आई बी, एस ए क्यू यू आई बी। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको उर्दू जबान से आई है इंग्लिश और हिंदी में, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि वहाँ इंक्लूड किए गए हैं। अंततः मैं ये बात बता के मैं ख़त्म करूँ, फिर मैं अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड्स को मैं दूँ जो कि नो डाउट कि हमसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड हैं और नॉलेजेबल पर्सन भी हैं, बीच में शायद हमें आना भी नहीं चाहिए था। देखो उर्दू जो है ये किसी भी मज़हब की ज़बान नहीं है, मैं
ऑल ओवर वर्ल्ड से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ सीतामढ़ी या फिर भारत से नहीं, ये ज़बान किसी धर्म की नहीं है, ये नहीं मुसलमान की मीरास है, नहीं हमारे हिंदू भाइयों की है, नहीं सिख ईसाई की है, ये अगर किसी की प्रॉपर्टी है तो हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है। और उर्दू लैंग्वेज को क्रिएट करने के लिए आपको पता होनी चाहिए कि इसमें बड़े बड़े जो स्कॉलर थे वो नॉन मुस्लिम थे, यहाँ तक कि इसकी जो वोकैबुलरीज हैं उनमें ज़्यादातर जो यूज़ किया गया है वो हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल उसमें किया गया है, उसके बाद उर्दू वजूद में आया है। इत्तफाक से नफरतों की आंधी की वजह से इसे एक बिल्कुल इस तरह तन्हे तन्हा छोड़ दिया गया कि आज लगता है कि ये हिंदुस्तान की ज़बान नहीं हो के ये अरब की ज़बान हो गई हो। इसी तरह से मैं संस्कृत के बारे में भी कहना चाहूँगा कि संस्कृत भी एक ऐसी ज़बान है जहाँ वोकेबलरीज एंड प्रोनंसिएशन आपका बहुत ही डेवलप और बहुत ही एक अच्छे लेवल को प्रोक्योर करता है और उस लेवल को डेवलपमेंट करता है और बनाने में हमें मदद करता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि संस्कृत में भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदी में ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि उर्दू में, इसलिए कि उर्दू में ये बहुत ही लेटेस्ट है। ये आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि जब ईरान और फारस से जब लोग यहाँ आए तो उन्हें फारसी और अरबी ज़्यादा आती थी, मुख्यतः फारसी, फारस इसी से बना। तो जब वो हिंदुस्तान में आए तो उनको एक दूसरे से जो मतलब मदर जो उनकी टंग थी, एक दूसरे से बात करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा था। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज किस तरह से ओरिजिन में आया, ओरिजिन ऑफ द लैंग्वेज यूट्यूब पे है ऑलरेडी, वहाँ देखियो, ये मैंने बताया था और इंग्लिश का ओरिजिन मैंने बताया था इंगालैंड से, किस किस तरह से मैंने पूरा आपको मैप बताया था। तो ये जो मैप है उसी तरह से अगर भारत का देखा जाए तो भारत ये एक सांस्कृत देश है, ये एक वेदांतिक देश है, नो डाउट, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसी सभ्यताएँ हैं जो कि सभ्यता यहाँ आई, उसी सभ्यता में फारस, ईरान और अरेबियंस भी आए। जब वो यहाँ आए ना स्टूडेंट, तो उन्हें बोल पाने में काफ़ी हेजिटेशन फील होता था, जैसे कि वो यहां जो रहने वाले लोग, उन्होंने कहा, अरब से जो लोग आए उन्होंने कहा कि ये लोग जो है ना हिंद के किनारे रहने वाले से बना हिंदू हैं। अब देखो बदकिस्मती, देखो हिंदू एक धर्म को ही बना दिया गया, ये हिंदू यहां पे क्लैप नहीं करना था। इसको समझिए, देखिए अक्सर होता है, मैंने एक जनरली मैं पॉलिटिशियन को मैं फॉलो नहीं करता हूं, लेकिन अगर कोई अच्छे पॉलिटिशियन उसको फॉलो करना बनता भी है। मैंने ये सुना था मनीष सोसदिया से, जब वो एजुकेशन पे स्पीच दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि आप ताली बजाने में चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और आप यहाँ ताली बजा के प्रोग्राम को तो सक्सेस कर देते हैं, लेकिन आप अपने जहन में, आप प्रैक्टिकल लाइफ में उसे आप यूज़ नहीं कर पाते हो। तो प्लीज़ आप ताली बजाने से ज़्यादा इस चीज़ को कंसनट्रेट करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिंदू वर्ड जो है ये सबसे पहले यूज़ किए थे अरेबियंस जो इंडिया में आए थे, इसलिए किए थे कि हम लोग सब लोग हिंद महासागर के किनारे बसे हुए हैं ना, तो यहाँ हिंदू का मतलब है कि हिंदुस्तान में रहने वाले। उसी तरह से उर्दू जो है हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की ये ज़बान है, जो कोई अरब या मुसलमानों की जागीर नहीं। और ये एक ऐसी ज़बान है, मैंने आपको जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रोनंसिएशन के बेसिस पे देखा जाए, जैसे हमारे काबिल साथी बता रहे थे, तो ये सबसे ज़्यादा बेटर है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को जानना आपको पता होनी चाहिए कि जितने भी पहले सिंगर्स थे बॉलीवुड से, वहाँ मस्त था कि आपको पहले उर्दू आनी चाहिए। आज तो बेसुरा चीज़ें शामिल हो गई हमारे माहौल में, तब तो इस चीज़ का पता नहीं चलता। उर्दू प्रोनंसिएशन के बेसिस पर सबसे अव्वल दर्जे पर फायर्स होता है। ओके, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। तो सर की बात समझ में आई? क्या समझ में आई? कि उर्दू सीखना ज़रूरी है, लाजिम है, और ये किसी मज़हब की ज़बान नहीं है। इसको सीखने का सिंपल सा तरीका है, आप किसी भी टीचर से सीख सकते हैं और सीखना चाहिए भी, क्योंकि मैंने अभी पहले भी बताया कि ये लहजे को आपको बताता है, है ना, आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत खुल के आती है इससे, कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कैसे पढ़े लिखे हैं, ये बहुत ज़ाहिर करता है। और आखिर में एक बात कहकर ख़त्म कर रहा हूँ बात, कि सपने आप जैसे अभी छोटे बच्चे हैं तो अभी से देखना शुरू कीजिए। क्या करना है? सपने देखना शुरू करें। सपने, अब सपनों में भी बहुत तरह का सपना होता है, अभी बच्चे हैं तो बच्चों वाले सपना आएगा, क्या कुछ ऐसा करते हैं, कुछ कार्टून्स बनाने या करते हैं, किसी को पेंटिंग का शौक होगा, है ना,
बहुत सारे शौक हुए, क्रिकेट खेलने का शौक हुआ, फुटबॉल हो सकता है, वॉलीबॉल हो सकता है, जिमनास्टिक हो सकता है, किसी को हेल्थ इम्प्रूव करने का बहुत शौक होता है कि यार हम जिम करें, है ना, ऐसा कुछ भी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ सोशली ही देखना शुरू करें, आपके अंदर जो भी अच्छी चीज़ें पैदा हो रही हैं आप अपने आप को बनाए वैसा, इम्प्रूव करें, मेहनत करें। और एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी अगर आप फाइनेंशियली यानी पैसों की वजह से अपने ड्रीम को नहीं खोएंगे, नहीं छोड़ेंगे, आप लगातार जब तक मेहनत करेंगे, यकीनन ये बात को मान लीजिए कि आपको पैसा वहाँ तक मैटर नहीं करेगा। आपको कभी कभी ना कभी ऐसा होगा कि आपको हर राह पे ऐसे लोग मिलते जाएंगे, मिलना शुरू हो जाएंगे कि आपके सपने कामयाबी की तरफ चल पड़ेंगे। ये चीज़ पे कुछ मेहनत कीजिए, पढ़ाई में मन लगाइए, खेलिए कूदिए भी, और जो भी है सब कुछ अच्छे से कीजिए, बैलेंस में कीजिए, हम तो यही कहेंगे। ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ छोड़कर बस पढ़े जा रहे, तो वैसे स्टूडेंट भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप कोई भी फिजिकल गेम खेलते हैं जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, कुछ भी खेलते हैं ऐसा, या एक्सरसाइज भी करते हो, तो इससे क्या होता है कि आपके जो माइंड का क्या होता है ना, पावर, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, फ्रेश हो जाता है वो, है ना। और उसके लिए एक चीज़ और भी है कि आप लोग थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग उठा कीजिए। जब आप अर्ली मॉर्निंग उठेंगे तो आपका दिमाग वैसे ही बहुत ज़्यादा प्योर फ्रेश फील होगा। आप जो अभी एक घंटा दो घंटे दिन से लेकर रात में पढ़ते हैं, वो मॉर्निंग में एक घंटे पढ़ें और पूरे दिन भर में चार घंटे पढ़ें, वो उसके बराबर आ जाएगा, आपको ऐसा लगने लगेगा। तो मॉर्निंग फ्रेश रहता है आदमी, उठिए, फ्रेश होइए, पानी पीजिए, थोड़ा देर सोचिए कि आज का पूरे फुल डे का शेड्यूल क्या है मेरा, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, एक दिन ऐसा कुछ बनाइए और रोज़ उसको फॉलो कीजिए। और एक चीज़ आखिर में और भी बात कि जो भी छः दिन आप पढ़ते हैं, पूरे छः दिन वो याद रहे, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे चीज़ों को आप भूलते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे और फिर बाद में कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए याद रखिए कि सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं पढ़ना है आपको, आपको पढ़ना इसलिए है कि आप कुछ लायक बन जाए, अच्छे बने, अच्छे इंसान बने, और अच्छे अखलाक भी आपके अंदर होने चाहिए, यानी अच्छे मैनर्स, आपको लोगों से बात करने का तरीका मालूम होना चाहिए। आपके सर बहुत काबिल है इस मामले में, उनकी आवाज़ आप सुनते हैं, आपको पता होनी चाहिए वो कितने लहजे में बात करते हैं, है ना, लहजे में बात करते हैं ना सर। सर की कभी आवाज़ ऐसी लगी, सर की आवाज़ कभी ऐसी लगी कि सर क्या बोल रहे हैं, पसंद ही नहीं आता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम उनको जानते हैं, बेहतर जानते हैं, उनसे सीखिए, बहुत गुणी है वो, और बेशक हमसे ज़्यादा नॉलेज वो ऐसे ही बोल दिए, हमारा दिल रखने के लिए वो हमसे बहुत ज़्यादा जानकार हैं इस मामले में। सीखिए, बढ़िए, पढ़िए और कुछ बड़ा कीजिए। बहुत खूब, अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों के बीच करके गए हैं। एक चीज़ और जो हमें इस स्पीच में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा कि इन्होंने कहा कि पैसा जो है ये डजंट मैटर, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता आपके ग्रोथ में। यानी इसका मैं एक लाइन में अगर ख़ुलासा करना चाहूँ, तुम्हारे काबिल दोस्त का कहने का सेंस ये था कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास अगर पैसे की अगर कमी है, शायद मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ जो कहना चाह रहे थे, कि ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर पैसे कम हैं या फिर आप अगर एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं या आपकी जो माली हालात है, जो कंडीशंस हैं वो थोड़ा अगर वीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रॉन्ग एजुकेशन को या हायर एजुकेशन की आप तलब नहीं कर सकते हैं या उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। यानी मनी ये आपको ज़्यादा रुकावट नहीं डाल सकता अच्छे एजुकेशन के लिए, इस बात को। और यहाँ पे ये मैं इसलिए शुरू किया कि हमारे एक और साथी हैं जो कि नहीं आ सके हैं किसी वजह से, उनकी एक संस्था है और कमाल की बात है कि वो एक प्राइवेट संस्था है और उसमें ऐसे स्टूडेंट्स लोग की हेल्प की जाती है जो स्टूडेंट्स पढ़ने में अच्छे होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं,
जो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास माली हालात जो है वो थोड़ा वीक होता है, वैसे स्टूडेंट्स को पूरा पूरा खर्च देने का काम और किस तरह से आगे वो, अच्छा सिर्फ ये नहीं कि आपको पैसा दे दिया गया, ऐसा नहीं, ये तो फिर हम लोग ऐसा इस कंडीशन में इसलिए नहीं किए हैं कि यहाँ पे फिर आगे चल के जब संस्था आगे बढ़ती है तो पैसा का यहाँ गबन होना शुरू हो जाता है। इस वजह से उस संस्था में ये किया गया है, वो भी जस्ट लाइक एक मेरे एक बिग फ्रेंड में से एक हैं, आज ना कल मैं उनको यहाँ पे लाऊंगा फिर, तो वहाँ उन्होंने कंडीशन ये रखी है कि जैसे मान रखिए कि आयशा है, आयशा अभी 9th class में है और ये फिर मैट्रिक करती हैं और इसके बाद फिर वो 11th-12th की पढ़ाई करना चाह रही हैं और इत्तफाक से ये बाहर रह के पढ़ाई करना चाह रही हैं। सपोज़ दैट ये वहाँ के जो फीस है उसको अफोर्ड नहीं कर पा रही है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे कि डायरेक्ट आपके हाथ में पैसा नहीं, आपको सीधा सीधा जहाँ पढ़ना चाह रहे हैं वहाँ के फीस को हम लोग वहाँ जाके खुद मेंटेन करने का काम करेंगे। और ये पूरी तरह से प्राइवेट संस्था है फिलहाल अभी तक, और इसको हम जैसे कुछ लोग और शहनवाज जैसे कुछ साथी मिलके इसको पूरा कर रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ हमारी जहाँ तक आवाज़ जा रही है आप इस बात को फैलाएं कि एजुकेशन और मनी से रिलेशन नथिंग, इस बात को याद रखिए। क्या मैंने बोला? हाँ, यानी पैसा से एजुकेशन का लेना नहीं है, बशर्ते अगर आपके अंदर अगर ताकत है, वो जज्बा है, तो ज़रूर आप अपने मकाम को अचीव कर पाओगे। इसी वजह से आपका जो विजिटिंग कार्ड है कोचिंग का, वहाँ पे क्या लिखा गया है, अवे टू अचीव सक्सेस, यानी सफलता का एक मार्ग।